श्री शंकर प्रसाद जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के आज से ये नगर अध्यक्ष पद पर इनको मनोनीत किया जाएगा और ये निर्विरोध चुने गए हैं। रसकोल तो जो है हमारे जिला अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय लोग हैं, ये इसके विषय में बात करेंगे। नगर अध्यक्ष का चुनाव साथ ही साथ कराया जा रहा है, सुनने में आया है यहाँ का जो चुनाव था वो संपन्न हो गया है, वोटिंग हुई है कि निर्विरोध हुआ है, इसके बारे में कुछ नहीं? नहीं, अभी तक तो जैसे कि शिव शंकर प्रसाद जी का नॉमिनेशन आया हुआ था मेरे समक्ष और मैंने 11 बजे तक में समय दिया हुआ था, अगर क्रियाशील सदस्य में जो कोई भी नगर अध्यक्ष पद के लिए आए नॉमिनेशन वो कर सकते हैं, पर किन्होंने दूसरा कोई हमारे पास नॉमिनेशन नहीं आया, जिसके चलते मैं शिव शंकर प्रसाद जी को निर्विरोध इनको नॉमिनेट में करूँगा। यानी कि एक आदमी का मतलब जी, तो एक आदमी का नॉमिनेशन हुआ है शिव शंकर प्रसाद जी का, जिसका क्रियाशील संख्या है इनका 29-70-27। तो अब तो मेरा समय हो गया, फिर कि मैंने 10-15 मिनट का समय और देना चाह रहा था कि और भी कोई सदस्य नॉमिनेशन कर सकते हैं, पर आज रक्खौल नगर परिषद से और नगर पालिका से हमारे जो शिव शंकर प्रसाद जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के आज से ये नगर अध्यक्ष पद पर इनको मनोनीत किया जाएगा और ये निर्विरोध चुने गए हैं रसकोल के लिए। सरकारी पटेल जी ने चीज बताइए कि सूचित किया गया था कि आज नगर निकाय का जो भी चुनाव है मतलब नगर अध्यक्ष का आज होगा जी, ये तो शुरू से ही पूरा पार्टी ही पूरे बिहार में इसका सूचना अलॉट किया हुआ है, और जब मैं निर्वाचन पदाधिकारी बना तो मैंने सभी जो क्रियाशील सदस्य सबको मैंने सूचना दिया, और ये पार्टी के चुनाव है और पार्टी के सारे सदस्य मिल के चुनाव करते हैं, जो हमारे क्रियाशील सदस्यों में सारा लोगों का निर्णय हुआ कि नहीं, शिव शंकर जी अच्छे लोग हैं, इनको नगर अध्यक्ष के दायित्व इनको दिया जाए, तो सारे लोगों का निर्णय एक स्वर में हुआ कि इनको नगर अध्यक्ष। कितने लोग भाग लिए थे इसमें? इसमें टोटल हमारे 44 आदमी क्रियाशील सदस्य हैं रसकोल नगर परिषद में, और 44 में हमारे पास अभी 30 आदमी की उपस्थिति है, 14 आदमी आ जाएंगे और वो भी आएंगे ही अभी तुरंत। सनी जी, हम आपसे यह जानने का प्रयास करेंगे, खास करके लगातार हम देख रहे हैं कैसी सदी से आपकी सरकार चलती आ रही है, आपके मुख्यमंत्री जी भी रिकॉर्ड बना चुके हैं शपथ ग्रहण का, रक्सौल में सर एक भी दफ्तर नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए कुछ कहिएगा? ये तो देखिए, ये हम लोग पार्टी के काम से हम लोग बैठे हुए हैं और पार्टी के हम लोग पदाधिकारी हैं, और ये क्वेश्चन जो है हमारे जिला अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय लोग हैं, ये इसके विषय में बात करेंगे। तो सर रक्सौल में तो आपकी बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोग सारे कार्यकर्ता इस चीज़ को कमी महसूस करते हैं कि रक्सौल में जदयू का कार्यालय नहीं है, पर हमारी भरसक कोशिश होगी और पार्टी से हमारे जो नए नगर अध्यक्ष बने हैं और इनसे मेरी आग्रह होगी कि ये जल्द से जल्द अपने नगर अध्यक्ष पद को संभाले और पार्टी कार्यालय खोलने के लिए ये आगे आए। चलिए, नगर अध्यक्ष से हम लोग बात करना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप निर्वाचित हुए हैं और खुशी की बात यह है सर निर्विरोध हुए हैं, कहीं आपका विरोध नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका यह दायित्व और कर्तव्य बन रहा है, आगे भी आपका विरोध नहीं हो, क्या लगता है पार्टी के जो भी कर्तव्य निर्वहन उसे बढ़ चढ़ के आप कार्य करेंगे, इसके बारे में कुछ बता दें? पहले तो मैं आप लोग को बधाई दे दूँ, सारे चैनल के लोगों को मेरे अपनी तरफ से मैं बधाई देता हूँ, और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं निर्विरोध जनता दल यूनाइटेड का मैं चुनाव के लिए प्रक्रिया किया था, उसमें कोई हमारे समक्ष नहीं आए और मुझे निर्विरोध चुना गया, और मैं ये आप लोग के सामने ये वचन लेता हूँ कि मैं इस पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रम को लेकर मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा, और मैं ये भी आप लोग के सामने दावा करता हूँ कि मैं एक ऑफिस का निर्माण करने का कोशिश करूँगा और अपने जितने भी हमारे जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारीगण हैं उन लोग से मिलकर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। सर, आप निर्वाचन कराने खास करके आए हुए हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया खास करके किस तरह से, किसके बारे में पूछ सकते? निर्वाचन हमको, मैं ताराचंद पटेल, हम लोगों को जिला के द्वारा नॉमिनेट किया गया था, हम लोगों को जिला के द्वारा यह जिम्मेवारी दी गई थी पर्यवेक्षक के रूप में कि रक्सौल नगर में निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण मतदान हो, और हम लोग समय से यहाँ पहुँचे, 11 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक समय निर्धारित था नॉमिनेशन करने के लिए। जो भी हमारे साथी जदयू के क्रियाशील सदस्य आए हुए हैं वे लोग
में से एक नॉमिनेशन आया है जिसको हमारे निर्वाचन पदाधिकारी घोषणा भी करेंगे। अभी तक दूसरा कोई नॉमिनेशन नहीं आया है, अब इस पर विचार करके हम लोग घोषणा करेंगे। और बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड का चुनाव आज रथौल नगर परिषद में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें आज शिवशंकर प्रसाद जी नगर अध्यक्ष पद के लिए आपने नॉमिनेशन दिया है। इनका नॉमिनेशन को स्वीकृत किया जाता है और इनको नगर अध्यक्ष पद पर इनको मनोनीत किया जाता है। जिंदाबाद 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 जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।